हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक स्पेस के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि अगर RN पे ये चार मैट्रिक्स डिफाइंड हो, तो इनकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं। बाकी के तीन प्रॉपर्टी आसान है, वो आप निकाल लेते हैं, मगर मैं आज इसमें इन चारों की ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात करने जा रहा हूँ। तो पहला वाला देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले यहाँ पे एक्स और वाई RN से हैं, तो ये किस तरह के हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू डैश 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 एक्स एन, और y इज इक्वल्स टू वाई वन वाई टू डैश 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 वाई एन, जहाँ पर ईच एक्स आई बिलोंग्स टू r और ईच वाई आई बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब हम पहले इनक्वालिटी की बात करते हैं। अगर मैं x1 के लिए बात करूँ, तो x1 माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, x1 हम इसमें z1 ऐड कर देते हैं और z1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। ठीक है, यहाँ पे z हमारा क्या है, z1 कॉमा z2 कॉमा डैश 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 जेड एन, यहाँ पे ईच जेड आई बिलोंग्स टू r। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब चूंकि ये R में है, तो R में हम इनइक्वालिटी किस तरह से लिख देते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ये होता है R में। तो हम यही लगा देते हैं इधर, तो ये क्या आएगा, मॉड x1 माइनस z1 प्लस मॉड z1 माइनस y1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, x1 के लिए निकाल लिया हमने, अब x2 के लिए इसी तरह निकाल लेंगे, x2 माइनस y2 विच इज लेस देन इक्वल्स टू x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। ठीक है, और इस तरह से अगर हम देखें तो हम z xn के लिए भी निकालेंगे, xn yn लेस देन इक्वल्स टू xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn। अब अगर इनइक्वालिटी में मैं बात करूं, अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है, c लेस देन इक्वल्स टू d है, तो a प्लस c भी लेस देन इक्वल्स टू होगा b प्लस d के। ठीक है, तो अब इसी तरह से मैं इस सारी को जो है ऐड कर देता हूं। अगर ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा, समेसन मॉड एक्स आई माइनस वाई आई विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेसन मॉड एक्स आई माइनस जेड आई प्लस और समेशन जेड आई माइनस वाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, आई वन से एन तक, आई कहाँ से कहाँ, वन से एन तक। ठीक है, अब यही हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, इस तरह से हमारा डिफाइन किया गया है पहला वाला। तो ये हमारा आ जाएगा डी वन एक्स कॉमा वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू डी वन एक्स कॉमा जेड प्लस डी वन एस जेड कॉमा वाई। तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गई पहली मैट्रिक के लिए। अब हम दूसरी मैट्रिक की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अगर डी पी की मैट्रिक देखूँ, ये जो पी मैट्रिक है, अगर मैं इसमें पी इक्वल्स टू टू रख दे रहा हूँ, तो हमें ये मिल जा रही है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकाल लेता हूँ, आप फिर जो है इसमें पी इक्वल्स टू पुट कर देंगे टू, तो हमारी ये वाली इनइक्वालिटी भी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है सी की बात करते हैं। इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी निकालने के लिए हमें मिनकोस्की इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मिनकोस्की इनइक्वालिटी क्या होती, कि जैसे अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हैं, ठीक है, तो समेसन मॉड ए प्लस बी की पावर पी का होल वन बाई पी, ये हमारा लेस देन इक्वल होगा किससे, समेशन ए की पावर मॉड ए की पावर पी की पावर वन बाई पी प्लस समेशन मॉड बी की पावर पी की पावर वन बाई पी, ये हमारा इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, मिनकोस्की इनइक्वालिटी, और इसी का जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, समेशन एक्स आई माइनस वाई आई की पावर पी की पावर वन वाई पी। ठीक है, ये हमारा लेस देन इक्वल होगा, पहले हम इसमें क्या करते हैं, जेड ऐड कर देते हैं, जेड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो जेड सब्सट्रैक्ट किया प्लस जेड आई माइनस वाई आई की पावर पी
की पावर 1/p। अब हम इसमें पहली वाली मैट्रिक जो हमने प्रूफ की थी, क्या मैट्रिक थी हमारी, d1x y less than equals to d1x z plus d1 z y। इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए समेशन एक्स आई माइनस वाई आई, तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो ये हमारा क्या है, समेशन है, तो अगर मैं उसी का इस्तेमाल करूँ तो ये हमारा किससे लेस देन इक्वल हो जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई का होल पी का होल 1/p, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे मिनकोस्की इनइक्वालिटी लगा लेते हैं। अब ये हम इसको a मान लेंगे और इसको b कंसीडर कर लेते हैं, तो मिनकोस्की इनइक्वालिटी हमारी क्या कहती है, समेशन ये वाला, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये हमारा किससे लेस देन इक्वल होगा, समेशन मॉड एक्स आई माइनस जेड आई की पावर पी की पावर 1/p प्लस समेशन मॉड जेड आई माइनस वाई आई की पावर 1/p, ठीक है। ये हमारा इसके लेस देन इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा ये क्या है, ये हमारा है डी एक्स कॉमा वाई, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी जेड कॉमा वाई। तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गई किसकी, तीसरे के लिए D3। यहाँ पे जो है इसको P माना है तो P ले लेते हैं DP। अब अगर मैं P इक्वल्स टू 2 रखूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे हमारी B वाली भी मैट्रिक प्रूफ हो जाएगी, यूजुअल मैट्रिक। तो अब हम बात करते हैं सी यानी आखिरी वाली मैट्रिक, डी वाली मैक्स मैट्रिक, तो इसकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी निकाल देते हैं। तो पहले इसको मैट्रिक को लिख लेते हैं, तो ये मैट्रिक हमारी किस तरह से है, डी इन्फिनिटी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मैक्स आई लेस देन इक्वल्स टू एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। ये अब हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस वाई आई विच इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई। हमने ये लिख लिया आर में, चूंकि ट्राइंगल हम ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ मैक्स ले लेते हैं, एक्स आई माइनस वाई आई मैक्सिमम कहाँ से कहाँ, वन एन से लेस देन है और वन से ग्रेटर देन है। लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई माइनस जेड आई प्लस मॉड जेड आई माइनस वाई आई। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते, तो ये हमारा किसके लेस देन इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉड मॉड एक्स आई माइनस जेड आई प्लस मैक्सिमम ऑफ जेड आई माइनस वाई आई, ये हमारा इसके लेस देन इक्वल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, 199, ठीक है। ये हमारा किसके इक्वल होगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2, 2 प्लस 3, ठीक है, और 3 प्लस 4, ये क्या आएगा हमारा 99 प्लस 100। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ मैक्स ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा लेस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम क्या आएगा हमारा 199, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये वाली इनइक्वालिटी लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ 1, 2, 99 तक प्लस मैक्सिमम ऑफ 2, 3 कहाँ 100 तक। अब यहाँ पे देखिए ये भी हमारा क्या आएगा 99, और ये क्या आएगा
100, तो ये भी हमारा 199 आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वल हो गया। लेकिन अगर मैं निगेटिव की बात करूँ तब भी हमारा ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। जैसे कि मैं अगर ले लेता हूँ यहाँ पे -1 -1 -1, ठीक है, ये ले लेता हूँ। ये हमारा किसके हमने इसको लिख लिया, किस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, 1 -2 2 -3 -99 -100 हमने इसको लिख लिया। अब मैं अगर दोनों तरफ मैक्स ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना आएगा, -1। ये हमारा क्या हो सकता है मैक्सिमम, -1। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पहले वाले का माइनस क्या आएगा, अगर मैं इसको लिखूँ मैक्स 1, 2, 99, ठीक है, और प्लस करके लिखूँ मैक्सिमम ऑफ -2, -3, -100। तो इसका मैक्सिमम क्या आएगा हमारा 99, और इसका मैक्सिमम क्या आएगा हमारा -2। तो 99 प्लस -2 कितना हो जाएगा हमारा 97, और यहाँ पे क्या है -1, तो -1 जो है वो हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगा 97 से। तो ये हमारी मैक्सिमम इनइक्वालिटी इसके लिए भी ट्रू है। तो इस तरह से ये हमारी मैक्सिमम इनइक्वालिटी क्या आएगी, ये आ जाएगी इसकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।